नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज हम बनाएंगे नमकीन लस्सी। नमकीन लस्सी के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम दही लिया है। ये घर के बनाया हुआ फ्रेश दही है। पुदीने के पत्ता, मैंने यहाँ पे पुदीने के पत्ते का सूखा इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक, आप काला नमक की जगह पर रेगुलर नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। भुना हुआ जीरा पाउडर, जीरा पाउडर को बनाने के लिए जीरे को तावे पर या फिर कढ़ाई में फ्राई करें, उसके बाद उसे पाउडर बना लें। काली मिर्च पाउडर, आप चाहे तो काली मिर्च को दरदरा कूटकर भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे एक जग लिया है, उसमें हम दही को डाल देंगे। 250 ग्राम दही में हम 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 काली मिर्च का पाउडर, अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो काली मिर्च कम डालें या फिर ना ही डालें। 1/2 चम्मच काले नमक, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। पुदीने के पत्ते को हमें कस्तूरी मेथी की तरह बहुत ही अच्छी तरह मसल के डालना है। अब हमें दही के अंदर घुटने की सहायता से 2 मिनट तक चला लेना है। इससे हमारे दही अच्छी तरह लस्सी में तैयार हो जाएगी और बहुत ही क्रीमी बन जाएगी। अगर आप यही चीज़ मिक्सी में करेंगे, उससे दही के जो क्रीमीनेस है वो मिक्सी में ही रह जाती है, यानी जो भी घी वगैरह निकलते हैं वो मिक्सी में रह जाते हैं। हमने दही को 2 मिनट तक अच्छी तरह से चला लिया है। आप देख सकते हैं हमारा छाछ बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पे सिल्वर वाला इस्तेमाल किया है घुटनी, अगर आपके पास लकड़ी का हो तो आप उससे कर सकते हैं। तैयार है हमारी लस्सी, अब हम इसे ग्लास में सर्व कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम इसमें 2-3 आइसक्यूब डाल देंगे। अगर आपको ठंडा पसंद नहीं है तो आप आइसक्यूब ना डालें। तैयार है हमारी लस्सी, आप इस लस्सी को किसी भी टाइम पी सकते हैं।